हेलो फ्रेंड, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसएल, जिसको सिक्योर सॉकेट लेयर के नाम से जानते हैं कि एसएसएल क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका हम कहां पे यूज करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एसएसएल किस तरह से काम करता है और एसएसएल हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, यानी हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल के अंदर एसएसएल कैसे काम करता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि एसएसएल क्या होता है, एसएसएल जिसको सिक्योर सॉकेट लेयर के नाम से जानते हैं, एक तरह का इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है जो कि इंक्रिप्शन बेस्ड टेक्निक्स के ऊपर काम करता है। यानी एसएसएल एक तरह का इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, इंक्रिप्शन बेस्ड टेक्निक्स के ऊपर काम करता है। आगे अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहले नेटस्केप द्वारा 1990 के अंदर डेवलप किया गया था, जिसका मेन पर्पस था कि ये क्या करता था, इंश्योर करता था किसी भी डेटा, यानी किसी की प्राइवेसी, डेटा इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन को प्रोवाइड करने का काम करता था। यानी अगर हम बात करें एसएसएल का जो मेन फोकस है, अगर कोई यूजर ए किसी यूजर बी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो जब ओवर द इंटरनेट ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इनके बीच में कुछ डेटा का ट्रांसमिशन होता है, और जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है ना, एसएसएल क्या करता है, उस सारे डेटा को क्या प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है कि जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते थे। आगे अगर हम बात करें कि व्हाई डू यू नीड एसएसएल, की एसएसएल का क्या जरूरत है हमें, तो अगर हम बात करें तो एसएसएल कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम बात करें डेटा इंटीग्रिटी की चीज को हम समझते हैं कि अगर कोई यूजर ए है, ठीक है, कोई यूजर ए है किसी यूजर बी को क्या करता है, ऑनलाइन या कह सकते हैं ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट करता है, तो जो डेटा ए ने बी को भेजा है उस डेटा की सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होती है, एसएसएल की। एसएसएल क्या करता है कि सेफ्टी ऑफ डेटा और डेटा की कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस, यानी जो डेटा ए ने जो डेटा बी को भेजा है क्या वो डेटा पूरी तरह से कंप्लीट है, ये सारी चीजें चेक करता है एसएसएल। उसके बाद इंक्रिप्शन आता है। इंक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि जब कोई यूजर ए किसी यूजर बी को मैसेज करता है या कह सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन करता है, तो वो डेटा क्या होता है, ओवर द इंटरनेट इंक्रिप्शन फॉर्म में होता है। इंक्रिप्शन का मतलब जब ए डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो डेटा को हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक इंक्रिप्शन की लगाते हैं, ठीक है। उस इंक्रिप्शन की को लगाने के बाद डेटा क्या हो जाता है, इंक्रिप्ट हो जाता है, और इंक्रिप्ट वाया द इंटरनेट क्या होता है, सेंड होता है। अब जब वो रिसीवर के पास पहुंचता है, रिसीवर क्या करता है, उसको डिक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट करता है, उसके बाद ओरिजिनल मैसेज को पाता है। तो एसएसएल क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा, मतलब कि जो भी सर्वर के ऊपर हम डेटा को प्रोवाइड, मतलब डेटा ओवर द सर्वर क्या करते हैं, सेंड करते हैं, ब्राउज करते हैं, तो इसमें क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है इंक्रिप्शन के थ्रू। उसके बाद ऑथेंटिकेशन आता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि चेक करता है जो भी कनेक्शन है करेक्ट है या नहीं है, मतलब कि अगर कोई यूजर किसी ब्राउजर के साथ कनेक्शन बना रहा है, ठीक है, कोई ब्राउजर है, कोई सर्वर है, ठीक है, कोई यूजर किसी सर्वर के साथ जब क्या करता है कनेक्शन बनाता है, तो सर्वर और यूजर दोनों चेक करते हैं कि क्या ये कनेक्शन राइट है या रॉन्ग है, मतलब कि ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है, तो ऑथेंटिकेशन भी चेक करने का काम करता है। आगे अगर हम बात करें कि एसएसएल का हम यूज कहां पे करते हैं, तो एसएसएल बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। अब आगे हम बात करें तो इसका सबसे पहले यूज कहां किया जाता है, सिक्योर इंटरनेट ट्रैफिक बेस्ड ट्रैफिक, मतलब सिक्योर इंटरनेट बेस्ड ट्रैफिक के अंदर इसका यूज किया जाता है। जैसे किसी की फाइल शेयर करना हो, डेटाबेस कनेक्शन हो, या फिर हम कर लें कि इंटरनल नेटवर्क्स हो, तो उसके अंदर एसएसएल का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन के अंदर भी किया जाता है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है एसएसएल का यूज। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे वेब मेल सर्वर लाइक आउटलुक हो गया, और वहां पे इन सारी चीजों की, या कह सकते हैं कि ऑफिस कम्युनिकेशन सर्वर के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर ऑफिस है उसका जो भी कम्युनिकेशन सर्वर है उसमें एसएसएल का यूज करते हैं। उसके बाद आगे हम बात करें जो भी हम डेटा ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर करते हैं, जो भी फाइल ट्रांसफर करते हैं, वहां पर एफटीपी प्रोटोकॉल्स जो होते हैं हमारे, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस, इन जगहों पर भी क्या होता है एसएसएल का यूज किया जाता है। क्योंकि जो तो ओवर द इंटरनेट जो फाइल ट्रांसफर होती है वो पैकेट के फॉर्म में होती है, जो पैकेट के फॉर्म में होती है एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर जो प्रोटोकॉल होता है, ये प्रोवाइड करता है पूरी तरह से सिक्योरिटी उन
डेटा के लिए, ठीक है। तो SSL का यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिस्टम लॉगिन टू कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में इसका यूज किया जाता है एप्लीकेशन सच है जैसे सी पैनल हो गया, उसके बाद पैनल्स एंड अदर, इन सारी जगहों पे इसका यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि SSL काम कैसे करता है। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि SSL कैसे काम करता है, एक कनेक्शन कैसे सिक्योर करता है, और हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर ले तो दो कॉन्सेप्ट में काम करता है, एक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होता है, दूसरा सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होता है। इन दोनों चीजों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं या फिर आई बटन से भी जाके देख सकते हैं। तो अगर हम बेसिक बात करें कि इंक्रिप्शन और सिमेट्रिक मतलब एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होता क्या, तो इसके अंदर होता क्या कि अगर कोई यूजर ए है, यहाँ पे हमने मान लिया कोई यूजर ए है और यहाँ पे कोई यूजर बी है। अब ए अगर बी को कोई मैसेज भेजेगा ओवर द इंटरनेट इन सिक्योर फॉर्म में, तो उस मैसेज को क्या करेगा, वो इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए एक की का यूज करेगा, ठीक है, एक की का यूज करेगा, यहाँ पे मान लिया हमने के की है, ठीक है। अब ये मैसेज क्या हो गया कि दूसरे यानी साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये मैसेज को जब यूजर्स के पास पहुंचता तो यूजर क्या करता है कि मतलब जो रिसीवर हमारा होता है इसके ऊपर क्या करता है, इस मैसेज को देखने के लिए वो इस पे क्या करता है, डिक्रिप्शन की लगाता है। डिक्रिप्शन की लगाने के लिए ना, डिक्रिप्ट करने के लिए इसको एक की जरूरत पड़ती है। अब अगर ए वाली की और ए दोनों की सेम होंगे तो उसको हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बोलेंगे। अगर दोनों सेम नहीं होगी, मतलब यहां पे पब्लिक की हो यहां पे प्राइवेट की हो, दोनों की क्या होंगे, डिफरेंट होंगी, तो उसको एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो आप इस वीडियो को, पिछली जो वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको जाके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि SSL हैंडशेक क्या होता है। SSL हैंडशेक की अगर हम बात करें, जो भी कम्युनिकेशन होता है थ्रू, अगर बात करें डन होता है थ्रू SSL बिगिन विद हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल, जो भी मतलब कि अगर कोई भी यूजर किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है तो सारी चीजें किसके थ्रू होती है, SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। यहाँ पे क्या करता है कि सबसे पहले ये अलाउ करता है कि जो भी ब्राउजर हो वेरीफाई करे वेब सर्वर को, मतलब जहां से वो डेटा लेके आ रहा है ना ब्राउजर, वो क्या करे उसको वेरीफाई करे और एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करे सर्वर और ब्राउजर के बीच में, यानी जो कम्युनिकेशन एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेशन एक सिक्योर फॉर्म में हो पाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो SSL हैंडशेकिंग है उसके अंदर एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्यों, हम यहाँ पे दो की का यूज करेंगे, मतलब डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की का यूज करेंगे और डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट की का यूज करेंगे डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर ले, हमारा ब्राउजर है, यहाँ पे सर्वर है, ब्राउजर और सर्वर क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं, उसके बाद डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। तो इस चीज को हम समझते हैं कि SSL काम कैसे करता है, ठीक है। इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले एक्चुअली फिगर के अंदर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो क्लाइंट होता है ना कम्युनिकेट करने के लिए सर्वर को सबसे पहले हेलो भेजता है। यहां से देख रहे हैं आप ब्राउजर, ब्राउजर ने क्या किया, सबसे पहले सर्वर को हेलो भेजा SSL वर्जन के अंदर, यानी जो भी सेशन स्पेसिफिक डेटा था और भी सारी चीजें उसके साथ, मतलब उसने सर्वर को हेलो भेजा। उसके बाद सर्वर रिप्लाई में क्या बोलता है, हेलो क्लाइंट बोलता है सर्वर को। जब आप सर्वर को कोई रिक्वेस्ट मारेंगे तो सर्वर आपको उसके बदले में रिस्पॉन्स करता है। तो यहां पे सर्वर क्या कर रहा है कि रिस्पांस किया। उसके बाद क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो वेरीफाई करता है सर्वर के SSL सर्टिफिकेट को, मतलब जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब कि हम जो है, जो ब्राउजर ब्राउज कर रहा है वो क्या करता है कि जब सर्वर ने रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ पे रिक्वेस्ट उसने बोला कि ठीक भाई तुमने हेलो बोला तो हम हेलो बोल देते हैं तुम्हें भी, तो उसने क्या बोला, हेलो क्लाइंट बोला। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसके बारे में कि इसने जो इसने सर्टिफिकेट जो यूज किया है, इसका सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या सारी चीजें सही है, रियल है, कि ऐसा तो नहीं कहीं कोई हैकर मैसेज मुझे भेज रहा है। तो ये सारी चीजों को हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है, जब हम इस चीज को चेक कर रहे हैं, अगर ये फेल हो जाता है, क्लाइंट रिजेक्ट द SSL कनेक्शन, अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, इसके कनेक्शन को रिजेक्ट कर देते, भाई मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अगर ऐसा नहीं होता है कि कनेक्शन सिक्योर पाया जाता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करने का काम करते हैं। तब आगे क्या करेगा, क्लाइंट जो होता है वो सेशन की के साथ इनक्रिप्ट करेगा एक सर्वर और पब्लिक की के साथ सेंड करेगा सर्वर को। सर्वर को क्या करेगा ना, वो मैसेज फिर से भेजेगा, ठीक है। वहां पे कह रहा है कि क्रिएट एंड सेंड इनक्रिप्शन सेशन की। अब क्या करेगा, एक इनक्रिप्शन सेशन की भेजेगा जिसके थ्रू क्या करे, वो एक सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट कर पाए। जब ऐसा भेजते हैं तो क्लाइंट में सेंड इट्स सर्टिफिकेट टू द सर्वर, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन इज रिक्वेस्टेड, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि जब क्लाइंट ये सर्वर ने भेज दिया था, अब उसके बाद क्या आ जाता है, रोल सर्वर का, मतलब क्लाइंट ने भेज दिया तो अब रोल आ गया सर्वर का। सर्वर क्या करता है, तो सर्वर बदले में क्या करता है कि वो सर्वर
सारी चीजों को आपके भी सारी चीजों को क्या करता है, चेक करता है। उसके बाद जो भी प्राइवेट की के थ्रू होता है उसको डेटा को डिक्रिप्ट करता है, जो आपने डेटा भेजा था उसको इनक्रिप्ट करके वो क्या करता है, उस डेटा को देखता है, उसके बाद क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट आपको सेंड करता है, इसके द्वारा इनक्रिप्ट करके विद द सेशन की एंड बैक टू द क्लाइंट। तो आपको क्या करेगा, सर्वर क्या करेगा, सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट जो कि लास्ट स्टेप थे, यानी आप अब डेटा का ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट कर रहे हैं और आपका डेटा मिल गया। तो जो हमारा फिगर है ना वो कुछ इस तरह से काम करता है, मतलब SSL हैंडशेक है, किस तरह से काम करता है। तो ब्राउजर सबसे पहले हेलो बोलता है क्लाइंट, उसके बाद हेलो बोलता है, ठीक है। उसके बाद ब्राउजर जो हमारा होता है, यानी हम जो यूजर है, हम क्या करते हैं कि सारी चीजों को चेक करते हैं, क्या जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है वो सही है, उसके बारे में SSL सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी को चेक करते हैं, और ये सारी चीजें सही होती है तो हम अगले स्टेप में क्या कर देते हैं कि उसको क्रिएट करते हैं और एक इंक्रिप्शन सेशन की के साथ भेज देते हैं। अब उस इंक्रिप्शन सेशन की को क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है प्राइवेट की थ्रू, उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सर्वर आपको। तो इस तरह से हमारा SSL वर्क करता है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि क्या SSL क्या होता है और SSL हैंड चेकिंग प्रोटोकॉल क्या है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।